नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपको ज्वेलरी शोरूम के बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि वास्तुशास्त्र के अनुसार ज्वेलरी शोरूम किस प्रकार से बनाना चाहिए। मेरे पास इंक्वायरी आई है कि ज्वेलरी शोरूम बनाना है। पहले उनकी अपनी एक दुकान होती थी, एक शॉप होती थी, अब उन्होंने साथ वाली शॉप परचेज कर ली है, दोनों को ही तोड़ के एक शोरूम बना रहे हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार दो दुकानों के अंदर शोरूम किस प्रकार से बनाना चाहिए मैं आपको बताना चाहूँगा। आपका अपना ज्वेलरी शोरूम है तो आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझें और विचार करें। आप अपने शोरूम को रेनोवेट करने जा रहे हैं या नया शोरूम परचेज करने जा रहे हैं या आप रेंट की जगह में अपना शोरूम खोलने जा रहे हैं, क्योंकि ज्वेलरी शोरूम को तैयार करने में बेइंतहा पैसा लगता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आप अपने शोरूम को तैयार करते हैं तो मेरा अपना मानना है कि आपका शोरूम बहुत बढ़िया तैयार होगा। आपका अपना जो शोरूम है वो नॉर्थ फेसिंग यानी उत्तरमुखी है। सबसे पहले तो ध्यान रखना है जो आपकी अपनी रोड है वो हमेशा ही साफ़ सुथरी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। आपका शोरूम रोड के लेवल से हमेशा ही ऊंचा होना चाहिए। अब मैं आपको अंदर का सेटअप बताना चाहूँगा कि आपको अपना गेट कहाँ पर लगाना है। एंट्री डोर फ्रंट में सारे में आपका शीशा लग जाएगा, फिक्स ग्लास हो जाएगा और सेंटर, जी हाँ, सेंटर से आपकी अपनी एंट्रेंस हो जाएगी। फ्रंट में आपने लेफ्ट और राइट दोनों तरफ डिस्प्ले बनानी है। आप अपना शोरूम ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर बनाते हैं तो उसमें स्टेयर्स कहाँ बनानी है, वो स्टेयर्स आपने अपने यहाँ पर साउथ ईस्ट में। यहाँ पर आपने अपनी स्टेयर्स बनानी है। इस प्रकार से आपके अपनी स्टेयर्स बन जाएंगी और स्टेयर्स पर जब जाएंगे तो वो आप यहाँ से ऐसे जाएंगे, यहाँ से आप अप होंगे। ये आपका अपना पहला स्टेप होगा। जब आप यहाँ पर स्टेयर्स बनाएं तो ध्यान रखना है स्टेयर्स आपके बिल्कुल लाइट वेट की होनी चाहिए, हल्के वजन की होनी चाहिए। आप यहाँ पर लोहे के स्टेयर्स भी बना सकते हैं और वुड के स्टेयर्स भी बना सकते हैं। आरसीसी स्टेयर्स बनाते हैं तो यहाँ पर स्टेयर्स आपके बिल्कुल लाइट वेट की होनी चाहिए। आपने अपने यहाँ पर तिजोरी कहाँ रखनी है? आपने अपने यहाँ पर तिजोरी साउथ वेस्ट जोन में, इस जोन में आपने अपनी तिजोरी रखनी है। यहाँ पर आपकी अपनी तिजोरी है। आपने जो डिस्प्ले करनी है वो डिस्प्ले कहाँ करनी है? साउथ की दीवार पर। यहाँ पर आपके अपने डिस्प्ले प्लस स्टोरेज हो जाएगी। ऐसे ही आपके अपने वेस्ट वॉल पर भी डिस्प्ले प्लस स्टोरेज होगी। यहाँ पर भी आपके अपने डिस्प्ले आ जाएगी और स्टोरेज आ जाएगी। ऐसे ही आप ईस्ट वॉल के साथ यहाँ पर भी आप अपनी डिस्प्ले प्लस, यहाँ पर सिर्फ आपने अपनी डिस्प्ले बनानी है। काउंटर आपने कैसे लगाने हैं? एक काउंटर तो आपका यहाँ पर बनेगा और एक काउंटर आपका अपना यहाँ पर है। कस्टमर की जो बैठने की सीटिंग है वो सीटिंग आपकी, चेयर रखना चाहे तो चेयर रख सकते हैं और सेटी रखना चाहे तो आप सेटी भी रख सकते हैं। ओनर की जो सीटिंग है, ओनर की सीटिंग यहाँ पर आ सकती है और यहाँ पर आ सकती है। ये दोनों सीटिंग ओनर के लिए सही है और यहाँ पर आपका अपना स्टाफ आएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी आपका अपना स्टाफ बैठेगा। आपने अपने यहाँ पर मंदिर
कहाँ लगाना है, मंदिर आपका अपना, यहाँ पर आपका अपना मंदिर आएगा और आपने अपने यहाँ पर पीने का पानी रखना है तो पीने का पानी आप अपने शोरूम के बाहर यहाँ पर भी रख सकते हैं, और फ्रिज रखना है तो आप अपना फ्रिज यहाँ इस जोन में स्टेज के नीचे भी रख सकते हैं। शोरूम के अंदर फर्श की ढलान कैसे होनी चाहिए अब मैं आपको वो बताना चाहूँगा। शोरूम के अंदर फर्श की ढलान साउथ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होनी चाहिए। साउथ वेस्ट में जब आप अपनी तिजोरी बनाए, यहाँ पर जब आप तिजोरी बनाए तो तिजोरी के नीचे आपने 4 से 6 इंच का ठोस प्लेटफॉर्म जरूर बनाना है। ऐसा करने से मेरा अपना ये मानना है कि आपका शोरूम बहुत बढ़िया चलेगा, आपके शोरूम में हमेशा ही कस्टमर आता रहेगा और सामान लेकर जाएगा, और आपके यहाँ से सामान जो भी ग्राहक लेकर जाएगा वो संतुष्ट होगा। कुछ जगह ऐसा भी होता है कि कस्टमर सामान लेकर जाता है, वो बार बार उसको चेंज कराने के लिए आता है। यदि आप इस प्रकार से अपना सेटअप बना लेते हैं तो इस तरह की समस्याएं आपके यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। ये मान लीजिए 100 में से 1-2 कस्टमर यदि सामान चेंज करा कर लेकर जाता है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर कस्टमर आपके यहाँ से जो सामान ले गए उसको चेंज कराने के लिए नहीं आएंगे। जो सलाह मैंने आपको अपने इस वीडियो में दी है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप मेरी और भी वीडियो देख सकते हैं, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 350+ वीडियो अपलोड की हुई है। आप हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं, और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं, और आप अपनी साइट पर हमें विजिट के लिए इन्वाइट करना चाहते हैं तो आप हमें साइट विजिट के लिए भी इन्वाइट कर सकते हैं। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, और मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।